Hello guys, this is Tech Savvy Omi, and subscribe to Tech Savvy Omi and press the bell icon for the newest and latest update video. So दोस्तों आज के वीडियो में हम unbox करने वाले हैं solderon के soldering station. आपने soldering iron तो देखी होगी पर ये जो है अलग है. तो box open करते हैं. Box simple है, जो अपने file होते हैं वैसे material box का. Let's open it. ये सोल्डरन की सोल्डरिंग आयन मैंने 799 से अमेजोन से ऑर्डर की थी. चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है. ये जो है सोल्डरिंग पेन है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट रहती है. ये सोल्डरिंग पेन इसलिए कहते हैं, ये एकदम पेन के साइज़ की होती है. इसकी टिप भी एकदम छोटी और पतली होती है नीब की साइज़ की, यानी कि आपको सोल्डरिंग करने के लिए आसानी होती है. देखते हैं और क्या है. ये जो है ये मेन यूनिट है, यहाँ पर ही सोल्डरिंग आयन का जो पेन है वो कनेक्ट करते हैं. और ये जो पोटेंशियोमीटर है, इससे आप अपने सोल्डरिंग आयन के टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं. अभी चलिए इसको अभी कनेक्ट करते हैं. मैंने इसको एसी से कनेक्ट किया है, एसी मेंस से. अभी ये जो पिन है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. ये सिंपल एवी पिन कैसे रहती है अपनी टीवी की, वैसे ही पिन है. अभी इसको चालू करते हैं. जैसे अपनी रिक्वायरमेंट हो, आप अगर एसएमटी कंपोनेंट अगर इससे सोल्डर करना चाहते हो तो आपको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो रखना पड़ता है. इसके ऊपर वैक्स और सोल्डर ऐसे लिखा गया है. चलिए सोल्डर करके देखते हैं. मेरे पास एक फ्लाइट कंट्रोलर है नेस 32, उसके पिन जो है हेडर पिन अभी सोल्डर कर रहा हूँ. हेडर पिन कैसे नज़दीक है इसके, तो इसके लिए पॉइंटेड ही चाहिए. और मार्केट में अलग अलग टाइप्स के सोल्डरिंग आयन अवेलेबल है, जिसमें आगे की नीप और उसका जो वैटेज है अलग अलग है. 12 वैट, 15 वैट, 100 वैट, 300 वैट, जैसे उसकी हीटिंग की कैपेसिटी होती है, हीटिंग का लोड होता है, उसके हिसाब से सोल्डरिंग आयन मिलती है. अभी जहाँ तक मैंने सोल्डरिंग किया है सोल्डरॉन आयन ये आयन से, तो ऐसा लग रहा है कि सोल्डरिंग फास्ट हो रही है. जो हीटिंग कैपेसिटी है उसकी फास्ट है, पटक से एलिमेंट जो है आगे का गर्म होता है और सोल्डरिंग करने में दिक्कत नहीं आती है. फास्ट सोल्डरिंग हो रहा है. और अभी मैं सोल्डरिंग के लिए वैक्स और लीड यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का है. और ये जो फ्लाइट कंट्रोल आप देख रहे हो नेस 32, अगले वीडियो में अनबॉक्सिंग की वीडियो डालने वाला हूँ इसकी भी. मैंने लास्ट वीडियो में KK 2.1.5 जो फ्लाइट कंट्रोल यूज़ किया था, अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा नेस 32 को कैसे आप यूज़ कर सकते हो. फिलहाल ये वीडियो तो सोल्डरिंग के सोल्डरिंग सेशन आयन की है. तो अगर आपको या अगर बाय करना हो, चीप रेट में आपको चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए.